इस शास्त्र में बताया है कि धर्म प्रोजित कोई तो बहुत, जितने प्रकार के जुआचोरी धर्म है, यानी है जुआचोरी बाकी धर्म का नाम से चल रहा है, वो प्रोजित कोई तो बहुत, उसको झाड़ू दे के फेंक दिया गया। जैसे आप लोग घर में झाड़ू दे करके जितना मैला है बाहर फेंक देते हैं, श्रीमद भागवत में वो जो धर्म है जो जुआ चोरी करने वाला का है वो सब झाड़ू देख करके फेंक दिया गया। असल धर्म है ये सबई पुंसांग परो धर्म जतु भक्ति रघुपत, वो धर्म है जिसको पालन करने से भगवान के चरण में भक्ति हो, उसका नाम है धर्म। और यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं तो इसी धर्म को पालन करने पड़ेगा। आप और कुछ धर्म को पालन करेंगे वो तो है तो जुआ चोरी, और वो जुआ चोरी का पास में आप फंस जाएंगे और उसमें आपको जीवन खराब हो जाएगा। ये भी शास्त्र में बताया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भागा जुपद्धता, ये कलयुग में होने वाला है, हो भी रहा है। ये प्रायण अल्प आयुष, इस युग में आयु बहुत कम होता है, ये कलयुग में आखिरी 100 वर्ष तक आदमी जी सकता है, इतना लिमिट है। बाकी आजकल कौन जीता है 100 वर्ष, वो आस्ते आस्ते कमती होते जाएगा। जैसा कलयुग का आगे बढ़ना है, ये आयु दया बल और धर्म ये सब चीज कमती होते जाएगा। तो हो रहा है आजकल कौन 100 वर्ष बचता है, 60-70 वर्ष कोई जीता रहे तो समझता है बहुत बुढ़ा। आगे जाके कोई 20-30 वर्ष तक जिएगा तो उसको माना जाएगा बहुत बुढ़ा, ऐसा शास्त्र में है। तो आयुर्हरति, इस प्रकार आयु का ध्वंस हो रहा है, और मैं जो जीवात्मा है ये शरीर में मैं फंसा हुआ है, और इसलिए हमको जब तक हमको ये भौतिक शरीर मिलेगा तब तक हमको दुख भोगने पड़ेगा, ये है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा, ये शरीर जो है सुख और दुख के शरीर से होता है, आत्मा का सुख दुख नहीं है। ठाकुर कृपा हले मोर मोर कथा सुदा हबे सुनिया सपरा शोक दुख चे गुची भे न चाओ प्रभु न चाओ से माते भक्ति वेदांतना एवे सर्था Baby.